चलो। उए, 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 उए। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो तो देख ही ली होगी जो भैया अपने यूट्यूबर थे प्रो राइडर 1000 जिनका कि कल भैया हाल ही में देहांत हो गया है। तो यार बात ऐसी थी कि मतलब वो जा रहे थे आपका यमुना हाईवे में जो कि कई बहुत लंबा हाईवे है। तो यार वो ना अपनी गाड़ी को 300 की स्पीड में भगाना चाह रहे थे जिसके कारण भैया उनका ना डिसबैलेंस हुआ और उनकी गाड़ी जाके सीधे भैया डिवाइडर में टकराई। 300 की स्पीड में भैया अपनी गाड़ी को भगाना चाह रहे थे यमुना एक्सप्रेस में, जैसे आप लोगों को मैंने पहले यमुना हाईवे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दिया। तो अब हम भी क्या ही कर सकते गाइस, बस हम एक ही चीज़ कर सकते हैं भैया उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और यार मैं लास्ट में आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई लोगों, अगर आप भी गाड़ी चलाते हो ना तो कभी भी ना गाड़ी तेज मत भगाओ। तेज क्या भगाओ, मतलब चलाओ आराम से चलाओ गाड़ी, इतनी जल्दीबाजी कहीं की नहीं कि भैया आप लोग को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बस आप गाड़ी प्यार से चलाओ आराम से चलाओ। बाकी यार प्लीज़ यार गाइस आप लोग भी ना आराम से चलाओ गाड़ी। बाकी आप कह रहे हो कि यार नितेश भाई तुम अपनी चैनल पर ऐसी वीडियो की अपलोड कर रहे हो, बाकी यार भाई वो इतने बड़े यूट्यूबर थे ना उनका मैं बहुत बड़ा फैन था यार। तो यार अब हम भी लास्ट यही कर सकते हैं दुआ कि भैया उनकी आत्मा को शांति मिले और भैया जो उनकी डेड बॉडी मिली ना वो जस्ट अपना डिवाइडर के पार होके मिली है, मतलब नीचे गिर गई थी उनकी डेड बॉडी। तो काफ़ी ज़्यादा धीमी चोट आई उनके सर में, आई उनकी जो चोट पड़ी ना उनके सर में पड़ी चोट, तो जिस कारण उनका देहांत हो गया है। तो अब हम भी ठीक है, फिर गाइस मिलते हैं अभी हम भी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।